व्यूअर्स को हम अगेन वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम चुटाइला ऑनलाइन में एक मरूसी बीमारी थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे, जिस बीमारी के ज़्यादातर विक्टम्स जो हैं वो बच्चे होते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि 8 मई को दुनिया में थैलेसीमिया का दिन मनाया गया है। एंड चुटाइला ऑनलाइन में भी हमने थैलेसीमिया को बात करने के लिए आज डॉक्टर आयशा मंसूर को दावत दी है, जो कि कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हैं चुटाइला पे। और हम अपने लाइव व्यूवर्स को बताते चलें कि आप लोग भी इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ चुटाइला ऐप ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा थैलेसीमिया होती क्या है, क्या मर्ज है थैलेसीमिया? थैलेसीमिया जो है वो एक मौरूसी बीमारी है जो कि खून की कमी की वजह से होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है जो कि एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है खून के अंदर, खून का बेसिकली मकसद क्या है, खून में क्या हमारे अंदर ऑक्सीजन की जो सलाहियत है जिस्म के हर कोने कोने को पहुंचाना, वो हीमोग्लोबिन का काम होता है। जब हीमोग्लोबिन ही कम होगी तो उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो हीमोग्लोबिन सही मिकदार में नहीं बनती। थैलेसीमिया के अलामात जो है वो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर देखें जो इसकी प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि ये 6 माह की उम्र में जो है वो सबसे पहले जो है आपको इसके अलामात आना शुरू होती हैं, जिसमें जो है वो पीलापन हो जाना, चेहरे का जो माँ है वो ये आपको बताएगी आके कि जी वो बहुत पीला हो गया है। कई दफ़ा ये होता है कि जैसे बच्चे की जो अफसाइश है वो उस तरह नॉर्मल नहीं हो रही थी, जो 6 माह का बच्चा है वो 3 माह का आपको लग रहा होगा, उसकी बहुत ही वज़न में बहुत कमी होती है, हो सकता है कि वो जो है बुखार या लूज मोशंस हो जाएं उसको। उसके अलावा ये कि पेट का फूलना, क्योंकि वो तिली और जिगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पेट जो है वो फूलने लग जाता है। और जो है जो बच्चा है उसकी, क्योंकि जो है अफजाइश में आपको बताया खून जो है वो जिस्म के हर कोने में जाके जो है वो बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सीजन पहुंचाए और ये सब कुछ, तो बच्चे के जो है उसके अंदर पीलापन तो होगा। उसके अलावा ये कि इसमें जो है क्योंकि जो गजाइत है वो भी जिस्म के कोने कोने पर नहीं पहुँचती, तो उसमें जो है वो हड्डियाँ जो हैं वो भी मुतासर हो जाती हैं। इसमें जो है वो जो फ्रंटल बॉसिंग या मेलार प्रोमिनेंस कहा जाता है, एक टिपिकल फेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो तिली जिगर और हड्डियों के अंदर जो है वहां से भी बनना शुरू हो जाती है, तो वो एक्सेस जो बन रही होती है और एबनॉर्मल बन रही होती है उसकी वजह से जो है ये सारी अलामत हो जाती है। अच्छा, इसमें क्योंकि ये मौरूसी बीमारी है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव एक पैटर्न है जैसे कहा जाता है, वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थैलेसीमिया जो है वो, क्योंकि बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है दैट्स द मोस्ट कॉमन और सिवियर फॉर्म है। अच्छा, इसमें जो है ये होता है कि अगर माँ और बाप जो हैं अगर दोनों थैलेसीमिक ट्रेट हैं, कैरियर्स हैं, तो फिर बच्चा जो है उसके अंदर ये थैलेसीमिया मेजर हो जाता है। अच्छा, उसमें ये है कि 25% चांसेस हैं इन ईच प्रेगनेंसी टू हैव थैलेसीमिया मेजर। अब उसमें ये होता है कि 25% चांस है कि थैलेसीमिया हो, 25% चांस है कि वो नॉर्मल हो जाए, और 50% चांस है कि वो कैरियर बच्चे पैदा हो। अपने ऑनलाइन व्यूअर्स को बताते चलें कि आज हम 8 मई वर्ल्ड थैलेसीमिया डे की मुनासिबत से थैलेसीमिया के ऊपर चुटाइला ऑनलाइन का ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट चुटाइला डॉक्टर आयशा मंसूर। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं थैलेसीमिया से मुतालिक तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो कमेंट्स हैं, अपने क्वेश्चन जो हैं वो थ्रो कर सकते हैं, ताकि हम उनको भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकें। और अगर आपका कोई भी जानने वाला जो है वो थैलेसीमिया के मर्ज का शिकार है और उनको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो दे कैन ऑलवेज कम टू अस एंड ज्वाइन अवर चुटाइला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हम मालूमात दे रहे हैं आज थैलेसीमिया के मर्ज के बारे में। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि थैलेसीमिया की मुख्तलिफ इकसाम क्या है? अच्छा, थैलेसीमिया जो है वो उसमें ये है कि अल्फा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स हैं, डेल्टा बीटा है और बहुत सारी टाइप्स हैं।
अच्छा जो है इसमें अगर हम क्लिनिकल जो है क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये तीन तरह का होता है, एक थैलेसीमिया माइनर होता है, एक थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, एक थैलेसीमिया मेजर होता है। जो थैलेसीमिया माइनर है वो यूजुअली वो बिल्कुल ही एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई जो है अलामत नहीं होती, वो नॉर्मल लोगों की तरह होते हैं बिल्कुल, वो कैरियर्स होते हैं, लेकिन वो कैरी करते हैं ये डिजीज़। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जो माँ और बाप जो है दोनों कैरियर्स होंगे तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। अच्छा थैलेसीमिया इंटरमीडिया जो है वो जो है एक ऐसी फॉर्म है जिसमें खून कभी कभी लगता है, इसकी प्रेजेंटेशन भी यूजुअली देर से होती है, जैसे एक साल की उम्र में या दो साल की उम्र में पता चलता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया। और जो थैलेसीमिया मेजर है ये सबसे ज़्यादा सिवियर फॉर्म है थैलेसीमिया की, जिसके अंदर जो है खून बार बार जो है उसकी मुंतकली की ज़रूरत पड़ जाती है, ट्रांसफ्यूजन्स और आयरन चिलेशन, और खून लगे बगैर जो है इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी जो है वो इसकी क्या प्रेविलेंस है, इसके बारे में बताइएगा। जो थैलेसीमिया है वो पाकिस्तान में 60,000 से लेकर 1,00,000 तक लोग जो हैं अफराद जो हैं वो थैलेसीमिया से, ये रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, ये उनका डाटा है, लेकिन हमें नहीं पता कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो किसी भी सेंटर में जाके उन्होंने जैसे अपने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो अनरजिस्टर्ड भी होंगे, बट दिस इज द डाटा जो कि रजिस्टर्ड पेशेंट का है। थैलेसीमिया का इलाज जो है देखें, ये एक ऐसी मौरूसी बीमारी है कि बच्चा जो है वो पैदाइशी जो है वो खून बनने का अमल उसके अंदर नहीं है, वो लेकर नहीं पैदा हुआ। जैसे बहुत सारे लोगों की एक मिथ होती है कि हम इसे कुछ गजा में दे दें, कुछ ऐसा मिल जाए तो शायद उसी से करेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा इसके लिए अगर खून नहीं बन रहा तो क्या करना है कि जी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है, ठीक है, बाहर से हमने खून देना है। दूसरा ये कि खून जो होता है वो अगर ज़्यादा या बार बार जब लगता है तो खून के अंदर जो है वो आयरन की या फौलाद की बहुत सारी मकदार जो है जिस्म में चली जाती है, और वो जो आयरन है वो टिश्यूज़ या बॉडी के बहुत सारे मुख्तलिफ हिस्सों को डैमेज करता है, यानी उनको नुकसान पहुंचाता है, तिल्ली और जिगर इन सब में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें क्या करना होता है, उस फौलाद को जिस्म से निकालने के लिए कुछ दवाइयां देनी होती हैं जो कि आयरन चीलेशन हो, यानी कि जो बहुत ज़्यादा एक्सेस आयरन है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो। और इसके अलावा जो है अब जिस तरह एक हाइड्रोक्स यूरिया या हाइड्रो के नाम से एक ड्रग है जो कि इस्तेमाल की जा रही है, जिससे जो है इनके अंदर खून का बार बार लगना जो है इसे कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो सबसे क्योर है, जो इसकी ट्रीटमेंट जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है कि जो जो मरीज है उसका जो खराब गुदा है जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा, उसको पहले दवाइयाँ देके ख़त्म किया जाता है, उसके बाद जो है एक नॉर्मल जो है सिबलिंग डोनर सबसे प्रेफरेबल होता है, जिससे मैचिंग हो रही होती है, कोई उसका बहन भाई जो है उसका जो है वो जो ऐसा गुदा जो कि काम कर रहा है, जो सही हीमोग्लोबिन बना रहा है, वो उसके अंदर जो है वो दिया जाता है उसको, और उसके बाद फिर जो है वो ठीक काम करने लग जाता है बिल्कुल नॉर्मल, उसी जो है वो दूसरे लोगों की तरह से जो है। नहीं नहीं, थैलेसीमिया के पेशेंट को तो खुद खून की ज़रूरत होती है तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि देखें जो खून है उसमें जो है अगर उसकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग नहीं हुई हुई है और वो किसी ऐसी जगह से उसने खून लगवाया है जहाँ पे उस तरह के मेथड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते स्क्रीन करने के, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हेपेटाइटिस बी सी या HIV के जरासीम भी मौजूद हों, तो वो पेशेंट जो है उसमें ये सारे खतरात भी शामिल होते हैं। डायग्नोसिस का जो है सबसे जो पहला जो स्टेप है वो तो ये है कि CBC खून का एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट के नाम से जो टेस्ट है वो करवाया जाए, उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो करवाया जाए, और उसके बाद जो है फर्दर थैलेसीमिया जेनेटिक प्रोफाइल, हमारे पास ये तमाम टेस्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है चिप्टाइज लैब में और ये सब मुमकिन है। अच्छा कजन मैरिजेस जो है वो जाहिर है कि जैसे अगर किसी फैमिली के अंदर जो है कोई भी एक ऐसा अफेक्टिव चाइल्ड है जिसको थैलेसीमिया है तो उनमें जो है चांसेस हैं कि कैरियर स्टेट्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। जो अभी हमने इससे पहले बात की थी कि अगर जो है वो दो कैरियर जो हैं उनकी शादी होगी तो फिर थैलेसीमिया मेजर होगा, तो इसीलिए फैमिली में जो चांसेस हैं वो इसलिए ज़्यादा होते हैं कि उनमें कैरियर स्टेट्स बहुत होती हैं,
यानी कि थैलेसीमिया माइनर जो है अगर होगा तो जाहिर है कि, तो इसके लिए ये है कि कोई भी, लेकिन इसका ये नहीं है कि एब्सोल्युटली जो कजन मैरिजेस हैं उनमें ही जो है चांस है, ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई और आउट ऑफ फैमिली भी शादी हो, लेकिन दोनों अगर कैरियर्स हैं तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस हैं। हमें फेसबुक पर आयशा बतूल ने इनबॉक्स किया है और वो ये पूछना चाह रही है कि क्या इसका थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या इसको किसी मेडिकेशन के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है या मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया था कि हाइड्रोक्स यूरिया या हाइड्रिया के नाम से जो ड्रग आती है उसके थ्रू भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन क्योर तो जाहिर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, लेकिन हाइड्रिया जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत कम कर देती है। और दूसरा ये कि आयरन चीलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो खून बहुत ज्यादा जब लगता है तो आयरन जो है वो इनके जिस्म के हर हिस्से को बहुत ज्यादा मुतासर करते हैं। हाइड्रोक्स यूरिया चीज़ आप बता रही हैं क्या होता है? ये बेसिकली एक ड्रग है जो कि कहते हैं ये कैप्सूल की फॉर्म में होती है और इसको जो है वो देने का मतलब जाहिर है कैलकुलेटेड डोज में पेशेंट के अकॉर्डिंगली देख के दिया जाता है। तो इससे इसको लेने से पहले जो है, क्योंकि ये एक ऐसी ड्रग है जो, क्योंकि देखिए उस पेशेंट के अंदर एरिथ्रोपोइसिस यानी कि एक खराब जो सेल्स हैं हीमोग्लोबिन के वो बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं, तो उनको कम करने के लिए बेसिकली ये दी जाती है। क्या इस बीमारी का परमानेंट इलाज किया जा सकता है, कोई ऐसा क्योर है? हाँ, जैसे मैंने बताया बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो इसका क्योर है और उसमें जो है मैंने आपको पूरा प्रोसीजर जिस तरह बताया कि कोई भी जो सिबलिंग है यानी कि उसके बहन भाई में जो कि नॉर्मल है या जो है कैरियर है उनका जो है वो, उनसे जो है वो आपने स्टेम सेल्स लेने होते हैं, हार्वेस्टिंग करनी होती है और उस जो है वो पेशेंट को दिए जाते हैं फिर, ताकि उसके अंदर वो नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन बन सके। हम अपने ऑनलाइन यूजर्स को बताते चलें कि आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है थैलेसीमिया और रिसेंटली 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो मनाया गया है और हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट जो टाइलैब डॉक्टर आयशा मंसूर जो इस वक्त थैलेसीमिया के बारे में जो है वो डिस्कशन कर रही हैं। और अगर आपके भी कोई भी सवाल हैं जो आप डॉक्टर साहबा से पूछना चाहते हैं आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं जिनको हम इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो ऑनलाइन शामिल करेंगे। हम अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करें ताकि हम मज़ीद क्वेश्चन जो है वो ले सकें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि थैलेसीमिया के कौन से टेस्ट हैं जो जो टाइल लैब में होते हैं जिसके जरिए से थैलेसीमिया को जो है वो डायग्नोज किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीसी का टेस्ट है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है और उसके अलावा थैलेसीमिया जेनेटिक प्रोफाइल है, ये तमाम टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं और इससे हम इसको जो है डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक जो चीज़ है जो मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बताना चाहती हूँ कि अगर जो है बच्चे को खून लग चुका है, मल्टीपल टाइम्स लग गया है, या अभी जैसे ही खून लगा और फौरन उसके बाद हमने सैंपल ले लिया कि जो है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के लिए, तो वो हमारी डायग्नोसिस को बहुत इफेक्ट कर सकता है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि यूजुअली मतलब कॉमन है हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन डेफिशिएंसी भी है किसी को तो उसके अंदर ये देखना कि कैरियर स्टेट को देखना जो है वो भी ज़रा उसमें जो है एक कन्फाउंडिंग फैक्टर या एक लिमिटेशन कह दें कि वो है। तो इस वजह से एक तो ये कि आयरन जो है स्टेटस वो भी आपको देखना ज़रूरी है, या आयरन जो है वो नॉर्मल हो, और उसके अलावा ये कि जो है पेशेंट को पहले ट्रांसफ्यूजन ना लगी हो तो फिर हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा गया कि ये बीमारी जो है वो ज्यादा बच्चों के अंदर पाई जाती है, क्या बच्चों को साइकोलॉजिकली भी इस बीमारी का कुछ असर होता है या उनकी हैबिट्स के ऊपर, और उसके लिए मतलब इसको किस तरीके से बच्चों में इस बीमारी को डोमिनेंट होने से बचाया जा सकता है ताकि वो नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार सके? बिल्कुल। अच्छा देखिए, कोई भी जो भी क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं उनका साइको सोशल जो है एस्पेक्ट वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सिर्फ पेशेंट की डिजीज को क्योर नहीं करना, हमने पेशेंट को ट्रीट करना है। वी आर नॉट सपोज टू ट्रीट जो है ना, हमने ये नहीं कहना कि जी खून लगा दिया दैट्स इट एंड यही सिर्फ हमारा काम है, ऐसा नहीं है। हमने पेशेंट की मेंटल जो हेल्थ है उसको भी जो है वो देखना है, तो उसके लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिजायर है। क्योंकि देखें, आप सोचें कि एक बच्चा है जिसको 6 माह की उम्र से हर महीने खून लगता है, हर महीने वो हॉस्पिटल आता है, उसको प्रिक किया जाता है, उसको जो है वो जाहिर है जिस तरह का हॉस्पिटल में एक, देखें अगर आप
को भी अगर हॉस्पिटल या किसी को भी खुदा ना खास्ता अगर जाने की जरूरत पड़ती है तो हर बंदा बड़ा अवॉइड करता है वो चीज़ देख के, तो वो इस ट्रॉमा से जो है वो हर महीने गुजरते हैं, तो जाहिर है उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है. तो इसलिए जो है उनको जाहिर है इस तरह के जो सेंटर्स बने हुए हैं वो इस बार इस एस्पेक्ट को भी जो है ध्यान में रखते हुए उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो है मशगूल रखने की कोशिश करते हैं और जो है उनको बहुत क्रिएटिव वर्क उनसे करवाते हैं. और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जो कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं अच्छे सेंटर्स में, उनको देखा है बहुत क्रिएटिव काम करते हुए. और क्योंकि उनको जो है दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनको शुरू से एक्सपोजर जाहिर है हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और सबसे सबके साथ होता है, तो दे आर रियली इंटेलिजेंट. और वो उनको जब एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं तो दे आर वेरी क्रिएटिव. और इस वजह से इवन मतलब वो डॉक्टर्स भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं अगर वो उनकी हेल्थ या ट्रीटमेंट प्रॉपर रहे और वो एडल्ट लाइफ तक जा सकें तो फिर वो सब कुछ कर सकते हैं. डॉक्टर नादिया खान ने हमें फेसबुक पर इनबॉक्स किया है, वो ये पूछना चाह रही हैं कि क्या थैलेसीमिया के लिए कुछ आप फूड सजेस्ट कर सकती हैं कि किस किस्म की गजा लेनी चाहिए या इसमें किसी गजा का ना लेना जो है वो ज्यादा हाँ बिल्कुल. मतलब ये है कि जिनमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है उन तमाम फूड्स को अवॉइड किया जाए, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल उनको कम क्वांटिटी में लिया जाए. क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एक ब्लड होता है उसके अंदर 200 to 250 जो है वो मिलीग्राम्स ऑफ आयरन मौजूद होता है, तो वो इतना ज़्यादा जो आयरन उनकी बॉडी में जा रहा होता है वो उनके बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ को डैमेज करता है. तो इस वजह से ये कि एक तरह से ये कि एब्जॉर्प्शन जो है जो मतलब यानी वो जो गजा जा रही है उसमें कम से कम आयरन हो. तो आयरन जो है एक तो वो जिसमें जिनमें कम हो वो इस्तेमाल करें, और प्लस ये कि उनको जो है विटामिन सी और विटामिन डी जो है उनके साथ साथ कमी हो जाती है, तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. फॉलिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा, यानी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, और जो है मतलब मिल्क जो है, योगर्ट वगैरह ये सब इस्तेमाल करें. विटामिन डी लेवल जो है हमारे पास मौजूद है वो देखा जा सकता है बिल्कुल. और डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों खून की बीमारियां हैं, इन दोनों में किस तरह से फर्क किया जा सकता है, क्या फर्क है इनमें? एनीमिया जो है एक बहुत ब्रॉड टर्म है, मतलब एनीमिया के अंदर हर तरह का एनीमिया आ जाता है. बल्कि ये अच्छा हुआ कि आपने अगर पॉइंट रेस किया तो मैं ये बताऊं कि देखें हर खून लगने वाली बीमारी थैलेसीमिया नहीं होती. मतलब ये जो एक मिथ है, बल्कि हमने कई दफ़ा ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो आके कहते हैं कि जी मुझे थैलेसीमिया है, लेकिन जब हम उनका वर्कअप देखते हैं या हम उनका पेरफिल्स में या सीबीसी देखते हैं तो वो थैलेसीमिया नहीं होते. बहुत सारे क्योंकि और भी डिजीजेज हैं जैसे हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है या G6PD है या बहुत सारे और हेमोलिटिक एनीमियाज हैं, वो जो है वो थैलेसीमिया नहीं है, लेकिन खून लगने की उनमें भी ज़रूरत पड़ती है. तो ये है कि वो रॉन्गली लेबल्ड भी कई दफ़ा मिस डायग्नोसिस की वजह से वो अपने आप को थैलेसीमिक समझने लगते हैं. तो इस वजह से ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि वो कौन से आम खातून जो है वो अपने घर में एक बच्चे को देख के ये महसूस करे कि इसको जो है वो प्रॉपर लैब टेस्ट जो है वो करवाना चाहिए या प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो उसकी देनी चाहिए, ऐसे क्या सिम्टम्स? देखें अगर क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, 6 माह का है ठीक है या 5 माह का है, 6 माह का है, 7 माह का है, तो उस वक्त वो जाहिर है उसको सिम्टम्स जो है वो माँ सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो तरीके से वही जज कर सकती है, बच्चा खुद तो नहीं बता सकता. तो वो उसमें ये है कि अगर उसको ये लगता है कि जो है वो अचानक से कम फीड जो है वो लेना शुरू कर दे ठीक है, वो बहुत इरिटेबल मतलब बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जो है और वो पीला लग रहा है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा ये कि जो है उसको लगता है कि उस बच्चे की अफजाइश ठीक नहीं हो रही है, उसका पेट जो है वो फूलता जा रहा है, वो बहुत ही जो है उनको ये सब जब चीज़ें नज़र आने लगे तो जाहिर है कि उनको जो है वो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है. मैंने कहा कि कभी कभी ये भी होता है कि बुखार या लूज़ मोशंस ये भी हो जाते हैं या चेस्ट इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, क्योंकि ये कि खून जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो है खून के अंदर जो है ये भी चीज़ है कि वो हमें तमाम बीमारियों के अंदर से बचाने की जो चीज़ें हैं वो भी शामिल होती हैं, तो वो बच्चा जो है उसमें इन्फेक्शन भी हो रहे होते हैं. एडल्ट्स हैं या जो एक बंदा बिल्कुल ठीक है उसके अंदर भी मुंतकिल हो सकता है या सिर्फ ये मरूसी बीमारी है जो सिर्फ बच्चों के अंदर ही मुंतकिल होती है और वो फिर आगे
कंटिन्यू चलती है, मतलब एक बंदा बिल्कुल नॉर्मल है उसको वो थैलेसीमिया का शिकार हो सकता है या नहीं है, आप क्या कहते हैं? अच्छा ये है कि देखिए मौरूसी बीमारी एक चीज़ पैदाइशी जो है, जेनेटिक्स जो हैं, जो जीन्स हैं वो तो उसकी शुरू से ही है, ठीक है। दैट इज़ ये नहीं कि डायग्नोज कब होता है, आपको कब पता चला है कि उसको वो कैरियर है या वो थैलेसीमिया इंटरमीडिया है या वो थैलेसीमिया मेजर है। देखिए मेजर मैंने आपको बताया वो एक सिवियर फॉर्म है जो कि अर्ली डायग्नोज हो जाती है क्योंकि वो बहुत जल्दी उसके जो है सिम्टम्स या अलामत आना शुरू हो जाती हैं, तो बच्चा 6 माह का होता है उस वक्त आ जाती हैं। थैलेसीमिया इंटरमीडिया इज लेस सिवियर, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म है ऑफ माइनर एंड मेजर, तो उसमें यूजली 2 साल का होगा या 3 साल का, एट टाइम्स मे बी 3.5-4 साल का भी बच्चा होगा तो उस वक्त उसमें पता चल जाता है कि जी थैलेसीमिया इंटरमीडिया। और माइनर फॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें आपको ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सबसे जो मैं आपको बताऊं कि जो इसका इंसिडेंस है पाकिस्तान में दैट इज 8%, 5-8%। तो इसका ये मतलब है कि अगर यहाँ पे 100 लोग मौजूद हैं तो उनमें से 8 लोग जो हैं वो कैरियर थैलेसीमिया के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर 8 लोग कैरियर हैं तो एक तो ये कि सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब हम में से कोई खुदा खासा कैरियर तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर दोनों कैरियर्स होंगे पेरेंट्स तो फिर बच्चों में जो बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। मतलब प्राइमरीली तो वो एक और मतलब इस तरह की कोई डिजीज नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने आपको जैसे बताया कि खून के अंदर जो है वो बहुत सारी गजाइत होती है या दिफा के लिए जो है और सब्सटेंसेस भी मौजूद होती हैं, तो जाहिर है कि जब खून की कमी होगी और वो हर तरह की बॉडी के दूसरे टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगा तो जाहिर है कि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है बार बार, उनको जो है वो लूज मोशन, डायरिया वगैरह ये सब हो सकते हैं, तो ये चीज़ है। जी जी ये बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैरियर स्टेट्स जो हैं वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, यानी उनको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, यानी आपको मुझे या हमें किसी को नहीं पता हमें कि हम में से कोई एक कैरियर है, तो वो जो है मतलब शादी से पहले जाहिर है ये अगर प्री मैरिटल स्क्रीनिंग होगी जिसमें CBC और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के अगर वो लोग देखें तो ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये इसलिए क्योंकि देखें आने वाला जो है उनमें चांसेस मैंने बताया कि 25% हैं कि वो थैलेसीमिया मेजर हो, तो इस तरह का बच्चा जिसमें थैलेसीमिया का मतलब थैलेसीमिया होने के चांसेस हैं अगर इस तरह के कपल्स हैं तो फिर ऑब्वियसली दे हैव टू डिसाइड कि वो जो है क्या आगे होना चाहिए। हमें ये बताइएगा कि थैलेसीमिया के मर्ज के लिए कोई वैक्सीनेशन भी है या सिर्फ इसका इलाज जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही? मैंने आपको जो है वो ट्रीटमेंट के तीन चार ऑप्शंस जो बताए हैं वो तमाम लिए जा सकते हैं, और जो है इसमें इसके लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अगर जो है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ब्लड है खून है उसके अंदर जरासीम मौजूद हो सकते हैं अगर स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं है तो उसमें हेपेटाइटिस बी सी और जो है HIV के जो है कि कहते हैं जरासीम हो सकते हैं, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है तो वो पहले से अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो जाहिर है उनमें फिर चांसेस नहीं होंगे कि हेपेटाइटिस बी हो। हमें ये बताइएगा कि थैलेसीमिया का जो के जो टेस्ट हैं वो कितने फ्रीक्वेंटली करवाना चाहिए, लाइक 1 माह में 2 दफा या 3 दफा, या क्या इसकी कोई मकदार है, कितनी रेशो में जो है ये लैब टेस्ट इसके आपको चेक करवाते रहना चाहिए मंथली वीकली या? अच्छा इसके लिए मॉनिटरिंग का जो है वो तरीका ये है कि जो है मंथली ऑब्वियसली CBC जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर महीने जो है इन पेशेंट्स को अपना CBC करवाना होता है ताकि वो अपना हीमोग्लोबिन का लेवल देखें, और अकॉर्डिंग टू दैट हीमोग्लोबिन लेवल उनको फिर सजेस्ट किया जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है या नहीं है, ये सब कुछ देखा जाता है। उसके अलावा जाहिर है कि फेरेटिन जो है वो आयरन की मकदार को देखने के लिए जो टेस्ट है वो फेरेटिन है जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा मतलब आयरन सीरम आयरन है ये भी देखा जा सकता है, लेकिन फेरेटिन से मॉनिटर किया जाता है, ये यूजली 6 महीने या साल में 1 मरतबा करवाया जाता है।
और जो है इनकी मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि देखें ये मैंने बताया कि अगर आयरन ज़्यादा हो जाता है तो वो लिवर को मुतासर भी कर देता है, तो लिवर को चेक करने के, लिवर के फंक्शन को चेक करने के लिए LFTs करवाया जाता है। और इनको जो हम ड्रग्स देते हैं आयरन चिलेशन की, वो जो है वो किडनीज को अफेक्ट कर सकती हैं, तो इनके अंदर रीनल फंक्शन टेस्ट जो हैं वो भी करवाने चाहिए। उसके अलावा ज़ाहिर है जो हमने बात की कि जो है वाइटामिन डी लेवल जो हैं, कैल्शियम लेवल्स जो हैं, फॉस्फोरस लेवल्स, ये सब एंजाइम्स या मिनरल्स जो हैं इनको जो है वो देखना इम्पोर्टेंट होता है। हमें निदा खान ने अभी अभी ज्वाइन किया फेसबुक पे, और वो हमसे ये पूछना चाह रही हैं कि डॉक्टर साहब भाई ये बताइएगा कि ब्लड डेफिशिएंसी की जाहिरी अलामत क्या है, कैसे पता चल सकता है कि इस बच्चे को या इस फर्द को खून की कमी है। खून की कमी जो है उसमें जो है चेहरे पे बहुत ज़्यादा पीलाहट का आ जाना, ठीक है। अगर आप देखें कि जैसे एक नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो पाम्स जो हैं वो हाथों की, उसमें भी आपको रेडनेस नज़र आ रही होती है, ठीक है। ये रेडनेस जो है उनमें नहीं होगी, बिल्कुल जो है येलो और पीले कलर का होगा। तो ये भी एक चीज़ है कि जो आपको किसी को देख कर जो है विजिबली आपको पता चलता है। लेकिन मैंने आपको थैलेसीमिया के और बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं, उनका जो फेशियल या जो स्केलेटल चेंजेस हैं वो भी बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो जो है हड्डी हड्डी जो है फोरहेड है, ये माथे की हड्डी ये बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है चेहरे की फेस के ऊपर जो हड्डी है ये बढ़ने शुरू हो जाती है। नेजल ब्रिज जो है वो बहुत ही जो है ये डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल अंदर को चला जाता है। आंखें मतलब बिल्कुल उनकी एक डिफरेंट सा एक थैलेसीमिक फेस बन जाता है। और उसके अलावा ये कि पेट का फूल जाना और तिली और जिगर जो है वो बढ़ जाना, ये सब तमाम चीज़ें उसमें शामिल है। इस तरह से है कि थैलेसीमिया का जो मरीज है वो उमूमन कोई और बीमारियों में भी मुबतला होता है थैलेसीमिया की वजह से, या मुबतला होने का खतरा होता है कि एक पेशेंट को अगर थैलेसीमिया का मर्ज है और कुछ बीमारियों के अंदर वो थैलेसीमिया की मर्ज की वजह से जो है वो। थैलेसीमिया के मर्ज की वजह से नहीं, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो है उसमें जो खून लगता है वो जो है कि कहते हैं उसके अंदर जो जरासीम होते हैं उसकी वजह से ज़ाहिर है हेपेटाइटिस बी सी HIV उसको कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ का ज़ाहिर है खतरा रहता है उसके लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि इसका इफेक्ट जो है वो बोन्स पे भी होता है और विटामिन डी की कमी हो जाती है, और विटामिन डी को बढ़ाने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया कि जो गिज़ा जो है जिसमें ज़्यादा विटामिन डी सोर्सेज हैं, जैसे कि दूध है, दही है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये तमाम इनका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। और प्लस ये कि उनको हम जो है सिरप या मेडिकेशन की फॉर्म में भी जो है वो देते हैं ताकि वो उसको लें और उनका ये लेवल्स नॉर्मल रहे। डॉक्टर आयशा मंसूर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने चुटकुला लैब ऑनलाइन के लिए वक्त निकाला। हम आपके बेहद मशहूर हैं कि आपने अपने जो नॉलेज से जो है वो हमारे व्यूवर्स को आगाह किया, और हम अपने नाज़रीन कभी के भी बेहद मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे लाइव सेशन को जो है वो सराहा। और हम आपको बताते चलें कि अगले प्रोग्राम में हम हाइपरटेंशन पर बात करेंगे। आप ये पूरा चुटाई लैब ऑनलाइन सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और हमारे चुटाई लैब ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और सेहत के नंबर पर मालूमात के लिए ज़रूर कॉल कीजिएगा, विच इज़ 03111456789। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।